सौ रुपए का हक पाने के लिए लोग तरसते हैं और करोड़ों की सेंक्शन घंटों में हो जाती है। मेरे देश का हाल क्या बताऊं सारो, यहाँ हर बार खेत को खेत की पार्लियामेंट का इलिटरेसी रेट इतना हाई हो उस देश का लिटरेसी रेट कभी सुधर नहीं सकता। संविधान बनाने वालों ने मुक्त क्यों रखा था आईसीआई को, अभी तो भारत की जनता को ये समझाना भी बाकी है। सौ रुपए का हक पाने के लिए लोग तरसते हैं और करोड़ों की सेंक्शन घंटों में हो जाती है। मेरे देश का हाल क्या बताऊं सारो, यहाँ हर बार खेत को खाती है, यहाँ हर बार खेत को खाती है। तो और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जिस देश की पार्लियामेंट का इलिटरेसी रेट इतना हाई हो उस देश का लिटरेसी रेट कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए हमें कभी सीए से काम छीन लिए जाते हैं, कभी ऑडिट छीन लिए जाते हैं, कभी बैंक ऑडिट छीन लिए जाते हैं, कभी कुछ होता है। उसका रीजन यही है कि हम मिलके अपनी आवाज नहीं उठाते। अगर हम मिलके आवाज उठाएंगे, हम अपनी डिजर्विंग पोजीशन लेंगे, हम फाइनेंशियल पोस्ट पे हम जाएंगे, जितने पब्लिक सेक्टर में फंड है हर एक कोई सेंक्शन पे हम बैठे होंगे, तो ये कभी नहीं होगा। और हमें अपनी डिजर्विंग पोजीशन लेनी होगी, हमें अपनी डिजर्विंग पोजीशन लेनी होगी। अगर हम अपना डिजर्विंग पोजीशन ले, ये अभी इस करप्ट ऑफिसर के सब साथ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर है। इसकी जगह पे किसी सीए को होना चाहिए था, जो कि बिना किसी रिश्वत के आता, बिना किसी रिश्वत के सीए बनता और बिना किसी रिश्वत के जाता। ये लोग जब करोड़ों की रिश्वत देके, जब करोड़ों अरबों की रिश्वत देके वहाँ सीट्स पे बैठते हैं, तो इनके अगेंस्ट कार्रवाई कैसे होगी? अगर इनको अरेस्ट किया जाएगा तो ये सिंपली उनको बोलेंगे ना कि मैंने आपको अरबों रुपए की रिश्वत दी है, करोड़ों रुपए की रिश्वत आई है, तो कहाँ है? तो इस तरह से सरकार का चिट्ठा खुलता जाएगा, आगे की आगे ये चेन रिश्वत वाली खुल जाएगी। इस वजह से ये हो नहीं सकता। और आपको पता, आईएएस ऑफिसर जब हम बनते हैं, जब एग्जाम देते हैं, उसमें भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को बहुत कम वेटेज मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि ये कहां कहां पे घपले होने हैं, इसलिए हमें वेटेज नहीं दी जाती। अगर हम अपनी आवाज इसी तरह मिलके उठाते रहेंगे, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, अगर अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुई, वो तो हो ही जाएगी कुछ दिन में, लेकिन हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्योंकि सरकार के कानों तक और भ्रष्ट अधिकारियों के कानों तक ये हवा पहुंच चुकी है, ये खबर पहुंच चुकी है कि अब सीएस को बिना किसी सबूत के अरेस्ट करना खतरे से खाली है। अब सीए इकट्ठा है, तो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है और हम ये जीत भी हासिल कर लेंगे। और इसी के साथ मैं चार लाइनें कहते हुए इसको खत्म करूंगी और मार्च के लिए सबको इनवाइट करूंगी। अभी तो काफिला ही बना है, अभी तो काफिला ही बना है, जंग पे जाना अभी बाकी है। अभी तो अपने हक भी बने हैं, अभी तो अपने जो कोई हो रेपुटेशन है वो भी लानी है, डिग्निटी भी लानी है, जो चोर का टैग लगा दिया वो भी पाना है वापस। अभी तो काफिला ही बना है, जंग पे जाना अभी बाकी है, अभी तो कमर ही कसी है। हम क्या है, अपनी शक्ति दिखाना अभी बाकी है। अभी तो फर्ज ही निभाए हैं, अधिकारों को पाना अभी बाकी है। संविधान बनाने वालों को, संविधान बनाने वालों ने मुक्त क्यों रखा था आईसीआई, संविधान बनाने वालों ने मुक्त क्यों रखा था आईसीआई को, अभी तो भारत की जनता को ये समझाना भी बाकी है। तो इकट्ठे होके हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे।